नमस्कार आदाब सत्सकार प्रणाम, मैं हूं आपकी का दोस्त रितेश कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं हीरो एक्शन प्रो नडेस की। मेरी बाइक चल चुकी है 15,000 किलोमीटर, तो उसमें लागत कॉस्ट कितने आए, उसमें क्या खराबियां आई, उसमें क्या मतलब अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे। एक्चुअली बात यहाँ यह है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल 15,000 किलोमीटर चलने के बाद मेरी बाइक का चैन सॉकेट ख़राब हो चुकी है, बहुत ही आवाज़ कर रही है। सर्विस सेंटर में वो लोग बोल रहे हैं कि चैन सॉकेट आपके चेंज करवाने पड़ेंगे, तो ये बहुत दुख की बात है। एक्चुअली क्या है ना कि अगर किसी बाइक का अगर 15,000 किलोमीटर चलने के बाद में अगर चैन सॉकेट ख़राब हो जाए, तो ये कुछ ख़ास मतलब अच्छी बाइक नहीं कहा जा सकता, उसके चैन सॉकेट नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात है कि उसकी पार्ट नहीं मिलते भाई, नहीं मिलते। एक्चुअली हीरो की ये बहुत ही मतलब बेकार है, कारण कि अगर जैसे उसकी इंडिकेटर टूटी हुई थी, इंडिकेटर तो चलिए मिल जाएगा, लेकिन उसकी फ्रेम उसकी टूटी, तो फ्रेम के बारे में बोल रहे हैं वो लोग कि अभी ये नहीं मिल पाएंगे। अगर ये स्टैंड जो बाइक की होती है ना, उसको कम से कम इतना होना चाहिए ताकि ये इतना हो सके। वो बाइक एकदम से ऐसे रहती है, जिसके कारण मेरी बाइक एक बार गिर भी गई थी। गिरने का नतीजा हुआ कि उसकी फ्रेम थोड़ी सी क्रैक हो गई है, और फ्रेम के बारे में हमने से एजेंसी में पता किया कि आप एक काम कीजिए, उसका फ्रेम हमें चेंज कर दीजिए, उसका इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ है। तो लोग बोले कि इसका पार्ट अभी नहीं मिल पा रहा है, ये लॉकडाउन पहले की बात बोल रहे हैं, और लॉकडाउन के बीते हुए इतने टाइम हो गए, लमसम 3-4 मंथ हो गए, 5 मंथ हो गए, लेकिन फिर भी उनका कहना ये है कि अभी पार्ट अवेलेबल नहीं है, और ये हम आपका चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर दूसरी जगह आपको मिल रहा है तो आप चेंज करवा सकते हैं, तो बहुत ही गलत बात है। दूसरी बात है कि उसकी इंडिकेटर फ्लेक्सिबल नहीं है, उसकी LED इंडिकेटर नहीं है और फ्लेक्सिबल नहीं है, ताकि वो थोड़ी सी अगर कहीं टच भी कर जाती है तो उसकी फ्रेम जहाँ पे लगा होता है LED वहाँ से वो क्रैक हो गई है। और क्रैक होने की बात कोई बात नहीं, अगर आप इंश्योरेंस किए हुए हैं तो उसको बदलवा सकते हैं, लेकिन पार्ट की बात आ जाती है भाई, और पार्ट ये उपलब्ध ही नहीं हो पा रही है। सर्विस सेंटर में बोलते हैं कि आप यहाँ से करो वहाँ से करो, पार्ट अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पता नहीं यूपी और बिहार में हीरो के पार्ट मिलने में इतनी दिक्कत क्यों आती है। आप पार्ट अवेलेबल जब तक आप मार्केट में नहीं करवाएंगे तो फिर कैसे होगा। बाकी 15,000 किलोमीटर चल चुकी है बाइक, उसमें कोई गड़बड़ी वगैरह इंजन में नहीं है, वही फर्स्ट प्लग जो लगा हुआ रहता है इलेक्ट्रिक वाली ही है, उसमें दूसरा कुछ चेंज हमने नहीं करवाया। LED लगवाए थे तो LED ख़राब हो गई, फिर हमने फिर वो पुरानी वाली जो इंडिकेटर होती है वही लगवाए हुए हैं। और इसकी सर्विसिंग का हम बहुत ही ये कर रहे हैं कि सर्विसिंग कुछ ध्यान दे कंपनी है, इस पर सर्विसिंग ढंग से नहीं करते वो लोग, और सीट काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो हमने उसके सीट को कुछ कुशनिंग बनवाए हुए सीट को बनवाए हुए हैं। तो प्लीज़ आप इस बात पर ध्यान दें, अगर हीरो मोटर कॉप तो सही रहेगा। और लो बजट में अगर कहा जाए तो अगर फेयरिंग वाली मतलब कि हम बाइक ही लेनी है और थोड़ा स्टार्टिंग में हमारे पास पैसे की कुछ कमी है तो आप ले सकते हैं इसके लिए, नहीं तो मैं बोलूँगा आप R15 पे भी जा सकते हैं। इसका माइलेज R15 के हिसाब से बहुत काफ़ी अच्छी है, तो कुछ इसमें फ़ायदा भी है कुछ नुकसान भी है। हमको लगता है 80% फ़ायदा है और 20% नुकसान है, तो इतना मायने नहीं रखता है। तो आई होप इस वीडियो को आप अच्छे से जेन्युइन तरीके से आप समझ गए होंगे कि आप अगर किसी भी चीज़ और कोई पार्ट अगर डैमेज हो जाती है तो मंगाने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, काफ़ी दिक्कत के सामना करना पड़ता है और सामान वो नहीं मिलती। इसके लिए आप अगर हीरो वाले देख रहे होंगे तो प्लीज़ इसको आप कुछ सुधार करवाइए। और सर्विस सेंटर में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं जो ढंग से सर्विस नहीं करते, जिससे गाड़ी अच्छे से चल नहीं पाती। तो आई होप इस वीडियो को आप सारी चीज़ समझ गए होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बंद रहिए मेरे साथ।